खबर प्रयागराज को राखी है। महिला बेनजीर पत्नी खुश मोहम्मद अमिलियापाल गांव की रहने वाली है। महिला बेनजीर ने 2 वर्ष पूर्व अपनी जमीन 1 बीघा 5 हिस्सा करछना तहसील के कपूर का पूरा निवासी निसार अहमद पप्पू पुत्र रफीउल्ला के हाथ जमीन बेचा था। महिला ने खाली पड़ी जमीन को बेचा था, लेकिन महिला ने जिस जमीन पर बेकरी वाला मकान बनाया था उस मकान को नहीं बेचा था, बगल में खाली पड़ी जमीन को बेचा था। लेकिन करछना तहसील की कपूर का पूरा गांव निवासी के द्वारा उक्त जमीन को नाकब्जा कर बगल वाली जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। इसी जमीनी विवाद को लेकर करछना कपूर का पूरा गांव के दर्जनों लोगों द्वारा कोराव अमिलियापाल गांव में जाकर महिला के बने हुए मकान को जबरन जेसीबी से तोड़ दिया गया, जबकि महिला ने कहा कि आपको हमने जो जमीन बेचा है वह बगल में खाली पड़ी है और राजस्व टीम से नाप करवा कर ले लीजिए। जेसीबी से मकान गिराने वालों पर कोराव पुलिस द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित महिला व उसके पति द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना है कि सूबे के मुख्यमंत्री पीड़ित महिला को न्याय मिलता है या नहीं। प्रयागराज से शिवाकांत बिंद की रिपोर्ट। लोग हमारा यहाँ बैकरी था, ये लोग गिरा दिए, अब हम क्या करें? हम अभी एप्लीकेशन दे के आए तब भी ये लोग नहीं माने, अब हम क्या करें बताइए? पूरा हमारा बैकरी यहाँ गिरा दिए सब, ये लोग गुंडाई कर रहे हैं सर, ये लोग दबंगाई कर रहे हैं, बाहर से आके दबंगाई कर रहा है। जैसे भी पता नहीं कहाँ से ले आके ये लोग दबंगाई किए हैं। हाँ, ये पूरी जमीन है हमारी सर, इनको हमारा यार करीब 2.5-3 बिस्से का चक था, इनको हमने 25 लेकिन हमारा पूरा बैकरी आके गिरा दिया, हम क्या करें? ये लोग दबंगाई कर रहे हैं यहाँ आके, देखिए पूरा हमारा बैकरी गिरा दिए, देखिए पूरा जगह सब जगह। ये मेरी बैकरी बनी हुई थी भैया, ये मैं इलाहाबाद से सीसा उसा ले आके सब डाला था। ये बताएं कि मकान किसका है? ये मकान मेरा है भैया, मेरा ताला लगा हुआ था, उन्होंने ताला तोड़ करके अपना ताला लगा दिया है। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ ये देखिए ताला तोड़ा भी गया है, ये नजदीक से देखिए, और वो जो है वहाँ से उनकी जमीन है, वहाँ से उनकी जमीन है और यहाँ आके जबरदस्ती दबंगई कर रहे हैं हमारे साथ। ये कौन कौन लोग कर रहे हैं? ये जो दबंगई कर रहे हैं भैया, पप्पू हैं जिनका निसार अहमद कपूर, उनके पिताजी का नाम जिल्ले है कपूर पुरवा के रहने वाले हैं, आबकारी विभाग में हैं। उनके भाई मोहम्मद सलीम, उनके साले गुरमीन, उनका भतीजा जो है, और उनके साथ 3-4 और दबंग लोग बोलोरे से आए हुए थे, जिसकी वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है, मैंने वीडियो बनवा लिया था। उच्च अधिकारी जैसे आपकी पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं सुनते, तो उच्च अधिकारियों से क्या न्याय चाहते हैं? हम उच्च अधिकारियों से ये न्याय चाहते हैं कि थाने वाले हमारी सुनी और हमारे समस्या का समाधान करें, क्योंकि ये देश सबका है, दबंगों का देश नहीं है, तो ये दबंगों का खात्मा होना चाहिए, हमारा ये मामला सही कर दें, बस यही हम उच्च अधिकारियों से न्याय चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम खुश मोहम्मद है, अमिलियापाल कोराव प्रयागराज। की समस्या क्या है, क्या विवाद है, पूरा विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए ये हमारी बेकरी है, यहाँ हमारी बेकरी बनी थी, तो क्या कहते हैं वो जो वो लोग हैं पप्पू लोग हैं जो लिए हैं ये खेत बगल में। अच्छा। वही लोग कल आए और क्या कहते हैं ये गिरा दिए हमारा, हम बताइए हमारा इसी से हमारा वो चलता था, हम क्या करें? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अकल गए हम थाने पे। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। ये 4 बच्चे आपके हैं? हाँ जी, हमारे हैं। कल हम गए थे थाने पे, वहाँ भी जब एप्लीकेशन दिए तो फिर वो लोग भी कहे ठीक है आएंगे, लेकिन आए नहीं, कुछ नहीं सुनवाई हुई हमारी, अब बताइए हम क्या करें। अच्छा, जो इसी बेकरी में से आप लोगों का गुजारा होता था, गुजारा हमारा, वो भी गिरवा दिया गया, वो सब गिरवा दिया, कल जेसीबी आई चल गई और कोई नहीं। गिराने वाले कहाँ के हैं? गिराने वाले यही कपूर के पुरवा के हैं। ये कहाँ कपूरपुरा है? कपूरपुरा करछना तरफ की है। अच्छा अच्छा, हाँ करछना में है वो लोग, मतलब उधर के हैं। तो क्या यहाँ आपकी जमीन बगल खरीदे हैं कि आपकी जमीन ही खरीदे हैं? हाँ हमारी खरीदे थे। अच्छा, हाँ हमारी खरीदे थे बगल में। बगल में, हाँ। तो यहाँ हमारी बेकरी बनी थी। हाँ। वो लोग आए कल, जेसीबी चला दिए, गिर गई, अब हम क्या करें? हम लोग इसी से चलता था। जो पुलिस प्रशासन थी, आपने
सूचना हाँ, दिया तो क्या सूचना दिया हम लोग उनसे कहे भी लेकिन कुछ नहीं वो किए। तो आप उच्च अधिकारी और योगी सरकार से क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हम लोग अब क्या करें, हमारा इसी से वो चलता था अब। तो आप योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाते हैं? जी हाँ लगाएंगे सुने अच्छी बात है। और जो सरकार जब सुने तब लगाए ना। और जो है इन पे क्या होना चाहिए जो लोग आपको घर गिराए हैं? उन लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और क्या। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बेनजीर। गांव कौन सा है? ग्राम इलियापाल। थाना? कोराम। जिला? इलाहाबाद। जो आपका यहां पर विवाद है अमीलियापाल बस्ती में, जी ये जो कोराव तहसील में पड़ता है, कोराव ब्लॉक के अंतर, कोराव थाना के अंतर्गत, इसकी सच्चाई क्या है पूरा बताएं आप। भैया इसकी सच्चाई ये है कि हमारा यहाँ पर मकान बना हुआ था, बेकरी बनी हुई थी। हम लोग यहाँ पर कई वर्षों, 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया यहाँ पर काबिज हैं। पूरे गांव वाले से आप लोग पूछ सकते थे। तो यहाँ सलीम वो पप्पू आबकारी में हैं, वो जो है यहाँ पर शायद ज़मीन लिए हैं बगल में। वो आके कहने लगे कि ये मेरी ज़मीन है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये कपूर के पुरवा के हैं और आबकारी विभाग में काम करते हैं ये। और 4-5-7-8 लोगों के साथ बोलेरो से आए और वो JCB मंगवा कर हमारा पूरा बेकरी, जो कि मैंने 1.5-2 लाख रुपए दे के, आप ले देखा, 1.5-2 लाख रुपए दे कर बनवाया था मैंने, पूरा मेरा JCB से उखड़वा दिए। न इनके पास कोई कागज चलाने का, न कुछ, सरकार ने कोई परमिशन नहीं दिया, यही सरकार बन तो गए, बुलडोजर से पूरा गिरा दिया मेरा। सूचना लिखित थाने पे दिया है आपने? हाँ सर, मैंने कल लिखित सूचना थाने पे दिया। 112 नंबर भी डायल किया, 112 नंबर आई, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि उसके बड़े भाई दरोगा भी हैं। तो उसके बाद मैं अप्लीकेशन में अपनी बहन को लेकर अस्पताल में एडमिट था यूनाइटेड में, मैं अभी आ रहा हूँ, थाने से होते हुए आ रहा हूँ। तो थाने वाले क्या आश्वासन दिया आपको? तो वहाँ पे कल आए, बताए ऐसा कोई मैटर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, यहाँ पे बुलडोजर चल गया। उसके बाद फिर मैं आज गया, ये देखिए एप्लीकेशन अभी लिख के दे रहा था। तो ये वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने मना कर दिया और मुझसे बोले कि कल आना, कल तुम्हारा ये राजस्व के मामले का विवाद है, तुम कल आना, कल तुम्हारा हम उसको भेज के वो करवा देंगे, क्या करवा देंगे। हमने कहा मेरा जो गिरवा दिए हैं, बुलडोजर चलवाए हैं, बताइए, सरकार बुलडोजर नहीं चलवाती, किसी का मकान घर बना रहता है और ये दबंगई से बुलडोजर चलवा दिए। ये अपने भाइयों के साथ आए थे, इनका भाई मोहम्मद सलीम और हमारे गांव के इनके साले साहब हैं मोहम्मद गुडमीन, और इनका भतीजा था, और 4-5-3 लोग और लेके आए हुए थे, ब्लोरो से आए हुए थे, और मैं शहर से बाहर था। ये देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इसी से अपना रोजगार चलाने वाला था। आप उच्च अधिकारियों से और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या न्याय चाहते हैं? हम सिर्फ इतना न्याय चाहते हैं कि हमारा जो गिरा हुआ है हमारा, ये या तो वो बनवा दे या तो इसका हमारा भरपाई हो जाए, बस। हम गरीब आदमी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। और चाहते उनके ऊपर जो माफिया लोग हैं जो ऐसे दबंगई कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुश मोहम्मद है, ग्राम अमिलिया पाल, पोस्ट देवघाट, थाना कोराव, जिला प्रयागराज से हूँ मैं। ये देखिए छोटे